नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है, यह आज भी शोध का विषय है। इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना गया है। कालांतर में ब्रह्मा को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कई कारणों में से एक है सावित्री का शाप, और दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। हालांकि प्रचलित समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। अब यह कितना सच, यह तो शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारण मानकर खारिज करते हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह भ्रम उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती विद्या की देवी थीं, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था, वे भृगु ऋषि की पुत्री थीं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दे दिया था। गुर्जर इतिहासकार के जानकार मानते हैं कि गायत्री माता एक गुर्जर महिला थी। यहाँ यह जानना जरूरी है कि वैदिक काल में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता यानी बेटियों जैसा माना जाता था। ब्रह्मा को प्रजापति भी कहा जाता है, इस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती श्वेत रंग की थी, लाल रंग की नहीं। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, शत्रुपा, वाणी, वागदेवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। श्री भागवतानंद गुरुजी के अनुसार सरस्वती शब्द का प्रयोग उसके लिए आया है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। उस ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं दो हैं, उसी तरह सरस्वती भी दो हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ईश्वर से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है, वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। शाक्त परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन है, प्राधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन प्राधानिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की जो पुत्री है उनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।
फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।